मथुरा में आज साधु संतों द्वारा हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सेना प्रमुख को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सेना प्रमुख शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में निर्मित वाटिका का शुभारंभ हुआ। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए CDS विपिन रावत एवं वीरगति को प्राप्त उनके साथियों की स्मृति में यमुना मिशन द्वारा मथुरा वृंदावन के मध्य कालिंदी कुंड पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी स्मृति में जहां एक स्मृति वाटिका का शुभारंभ यमुना मिशन के गोपेश कृष्णदास महाराज के सानिध्य में नगर के प्रमुख संत महंतों द्वारा पौधारोपण कर किया गया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए संत गोविंदानंद तीर्थ ने कहा कि राष्ट्र के सुरक्षा पहरेई की शहादत को ही सभी देशवासियों के सुरक्षित रह पाने का कारण बताया। इस अवसर पर संत रंगीली शरण महाराज, सिंहपुर हनुमान मंदिर के महंत सुंदरदास महाराज, धीर समीर आश्रम के महंत मदन मोहन दास जी महाराज, संत रसिक दास जी महाराज, श्री कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता वकील महंत प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता नंद किशोर उपमन्यु, संत गोपेश कृष्णदास भंडारी बाबा सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। जितने हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें हमारे विपिन रावत जी सहित जितने भी उनके साथी जो भगवत धाम गए, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा श्री यमुना मिशन के माध्यम से उनके लिए एक स्मृति उपवन, एक स्मृति वन उनके लिए रखा गया है। उनमें उनके नाम से वृक्षारोपण हुआ, जिसमें हमारे वृंदावन के सभी अति विशिष्ट सभी महापुरुष यहाँ पधारे और उनके हाथों से वो सब वृक्षारोपण हुआ। हमारे परम पूज्य ठाकुर जी महाराज, परम पूज्य गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, परम पूज्य परम ब्रह्मचारी जी महाराज एवं हमारे मदन मोहन दास जी महाराज जी, हमारे रसिया बाबा, हमारे बड़ा रासमंडल वाले महाराज जी एवं हमारे रसिकदास जी महाराज जी, प्रेम गली वाले महाराज जी एवं सिंहपुर वाले महाराज जी, अन्य सभी संत महापुरुष एवं कई वकील आदि आदि सब लोग यहाँ आकर के उनके हाथों से उनके निमित्त एक वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण भी हुआ है। और क्योंकि ऐसी दिव्यात्माएँ हमेशा याद रहनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, उनके भी संस्कार उनको प्राप्त होगा कि ये वृक्ष लगा तो उनका जब नाम लिखा होगा तो एक उन लोगों को एक स्मरण में बना रहेगा कि वो लोग कौन थे, क्या है। तो ये एक परंपरा जो हमारी पूर्वजों ने रखी थी कि कोई भी चले जाएं तो उनको एक वृक्षारोपण के माध्यम से उनका स्मरण बना रहना चाहिए। यमुना मिशन का मुख्य रूप से आज का जो आयोजन है वृक्षारोपण का, उपवन समर्पण का, ये हमारे तीनों सेनाओं के नायक श्री बिपिन रावत जी के निमित्त है। सब संत एकत्रित हुए हैं, उनके साथियों के निमित्त है। भगवान से, राधा रानी से ब्रजमंडल में उनको दिव्य भाव से निवास मिले, भगवान के दिव्य धाम में निवास मिले और वो पुनः पुनः राष्ट्र की सेवा करने के लिए आमे। इसी विषय में यमुना मिशन द्वारा उनको आज श्रद्धांजलि दी गई है।